Implementing TCS on Receipt Sales in Busy. इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि TCS को आप Busy में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. TCS पेबल होता है सेलर के द्वारा और वो कलेक्ट करते हैं बायर से एट द टाइम ऑफ सेल. TCS के कुछ न्यू रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं 1 अक्टूबर 2020 से, जिसमें कि एक सेलर कोई भी कमोडिटी जब सेल करते हैं किसी पार्टी को तो ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस. यानी कि कुछ एक कंडीशंस होती हैं, उनमें सेलर को जो है पार्टी से TCS कलेक्ट करना होता है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो. बिजी में यदि हम बात करें तो जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप कलेक्ट करते हैं TCS. बिजी में TCS जो है पैन बेस्ड होता है, यानी कि एक ही पैन की यदि मल्टीपल पार्टीज हैं. ऐसा तब होगा जब अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी कि एक कंपनी है उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं लेकिन सभी का पैन नंबर सेम है, तो कंबाइन या फिर आप कह सकते हैं कलेक्टिवली जो उनकी नेट सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो कंसिडर की जाती है. सिंगल पैन पे इस पे जितनी भी रिसिप्ट हुई हैं या सेल हुई हैं उसके बाद ही उनको कलेक्टिवली कंसिडर करके आप TCS जो है कलेक्ट करते हैं. बिजी में TCS इम्प्लीमेंट करने के 5 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है कि आप एनेबल करेंगे और कन्फिगर करेंगे TCS फीचर को. उसके बाद आप मास्टर्स को कन्फिगर करेंगे, देन आप सेल या रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे और TCS अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे हम एक बात बता दें कि इट्स रिकमेंडेड कि आप एक ही मेथड फॉलो करें, या तो आप इधर सेल्स में TCS अप्लाई करें या फिर रिसिप्ट में. उसके बाद आप पेमेंट या जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं TCS पेमेंट के लिए, या फिर कोई TCS रिवर्सल है तो उसके लिए आप एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर सकते हैं. और स्टेप 5 होगा कि आप अपनी रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एंड रिपोर्ट में भी ऑप्शन दी गई है TCS की एंट्री करने की, वो हम सारा इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की, एनेबल एंड कॉन्फ़िगर TCS फीचर. TCS फीचर को एनेबल करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शंस TDS TCS टैब में जाएंगे. यहाँ पे एनेबल TCS रिपोर्टिंग फीचर को एनेबल करेंगे. TCS से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे लाइक टैन नंबर, TCS सर्कल, पेयर्स कैटेगरी, अपनी कंपनी का एड्रेस बताएंगे और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएंगे. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है वार्निंग फॉर TCS इन सेल एंड वार्निंग फॉर TCS इन रिसिप्ट. इन दोनों में ही 3 ऑप्शंस है, नो एक्शन, वार्निंग ओनली या डोंट अलाउ. इसका मतलब यह है कि यदि कंडीशन फुलफिल हुई है TCS कलेक्ट करने की सेल या रिसिप्ट वाउचर में एंड आपने TCS की बिल्स एंट्री अप्लाई नहीं करी, तो इस केस में बिजी आपको अलाउ ना करे, यानी कि वाउचर सेविंग अलाउ ना करे, तो आप डोंट अलाउ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. बिजी आपको एक वार्निंग शो करे कि यू हैव टू अप्लाई द TCS बिल्स एंट्री एज द कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो आप वार्निंग ओनली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक्शन नहीं चाहते कि आपको कोई भी इस तरह की वार्निंग अपियर हो. उसके बाद है स्किप TCS रेफरेंस क्रिएशन, यानी कि आप TCS की जो रेफरेंस क्रिएशन है उसको स्किप करना चाहते हैं कि TCS की रेफरेंसेस क्रिएट ना हो और सिर्फ लेजर मेंटेन हो, तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं. उसके बाद है अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शन, यानी कि TCS के अमाउंट को आप किस तरीके से राउंड ऑफ करना चाहते हैं. हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन लिया है और TCS पे भी एप्लीकेबल है वो, TCS सरचार्ज पे भी. उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स डिटेल, यानी कि जो भी पर्सन आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है TCS कलेक्ट करने के लिए, उसको डिपॉजिट कराने के लिए, उनकी सारी डिटेल्स के लिए, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. इस तरीके से आप TCS फीचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए. इसके बाद हमारा स्टेप 2 है कॉन्फ़िगर मास्टर्स, यानी कि हमें मास्टर्स को कॉन्फ़िगर करना है. इसके लिए हम सबसे पहले अकाउंट मास्टर की बात करते हैं. अकाउंट मॉडिफाई ऑप्शन में हम जाएंगे. TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मास्टर को हमने सिलेक्ट किया. ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट क्रिएट होता है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे अंडर द ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस. इसका टैक्स टाइप TCS है. ये अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, आपको नीड नहीं होगी TCS का अकाउंट और क्रिएट करने की. लेकिन यदि आपको कोई नीड होती है अकाउंट क्रिएट करने की तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्रिएट कर सकते हैं TCS अकाउंट. उसके बाद है बिल्स एंट्री. बिल्स एंट्री TCS की आपको क्रिएट करनी होगी. TCS की बिल्स एंट्री के लिए आप बिल्स एंट्री ऐड ऑप्शन में जाएंगे, नेम स्पेसिफाई करेंगे, बिल्स एंट्री नेचर आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे TCS. बिल्स एंट्री नेचर TCS सिलेक्ट करने के बाद अकाउंटिंग इन सेल एंड हम बात करें तो यहाँ पे एडजस्ट इन सेल अमाउंट आप नो करेंगे एंड अकाउंट हेड टू पोस्ट लेंगे TCS, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अकाउंट. सिमिलरली अकाउंटिंग इन परचेज में भी एडजस्ट इन परचेज अमाउंट को नो करके हम यहाँ पे TCS अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे.
ये बिल सन्ड्री चार्ज होती है 100% ऑफ नेट बिल अमाउंट पे। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आप बिल सन्ड्री अमाउंट को भी राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ बिल सन्ड्री अमाउंट ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे। राउंडिंग टाइप जो है वो होगी ऑटोमेटिक एंड राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू वन। ये कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी स्पेसिफाई करेंगे। हालांकि यदि आपके पास बिजी 18 के पहले का वर्जन है तो ये TCS की बिल सन्ड्री आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद क्या यदि आपके पास वर्जन है तो ये बिल सन्ड्री भी ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। इसके बाद है स्टेप 3, एंटर सेल रिसिप्ट वाउचर एंड अप्लाई TCS। आप सेल वाउचर में या रिसिप्ट वाउचर में TCS अप्लाई कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया कि ये रिकमेंडेड है कि आप कोई एक मेथड फॉलो करें, या तो आप अपनी सेल्स ट्रांजैक्शंस में ही TCS अप्लाई करें या फिर रिसिप्ट में। इट्स रिकमेंडेड कि आप एक ही मेथड फॉलो करें। हम यहाँ पे दोनों ही मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेल्स वाउचर को ओपन किया, सेल्स एड ऑप्शन में गए, वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, पार्टी सिलेक्ट करी, AB ट्रेडर्स डेली। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि AB ट्रेडर्स पार्टी की ये डेली ब्रांच है। इस पार्टी को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा तो देखिए इसका पैन नंबर भी एंटर्ड है। पैन नंबर लिख सकते हैं। इस पार्टी के करंट बैलेंस, नेट सेल, ग्रॉस रिसिप्ट ये सारी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सारी आपके रेफरेंस के लिए है ताकि इसको देख के आप डिसीजन ले सकें कि अभी TCS अप्लाई करना है या नहीं करना। आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने बताई। बिल सन्ड्री में हमने CGST SGST अप्लाई किया एंड सेव किया इस वाउचर को। यहाँ पे बिजी ने कोई वार्निंग शो नहीं करी क्योंकि अभी TCS की बिल सन्ड्री अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई थी। जैसे जनरली 50 लाख की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या नेट सेल्स हैं क्रॉस करती हैं तो TCS कलेक्ट करना होता है, वो यहाँ पे नहीं था। हमने रेफर किया था ग्रॉस रिसिप्ट को, नेट सेल को, तो इसलिए कोई मैसेज नहीं आया। अब हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने पार्टी ली AB ट्रेडर्स महाराष्ट्र, यानी AB ट्रेडर्स की ही महाराष्ट्र की ब्रांच है। इसको हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा तो देखिए जो पैन नंबर दिल्ली ब्रांच के लिए एंटर था वही पैन नंबर इस ब्रांच के लिए भी एंटर है। यानी कि मल्टीपल पार्टीज हमने क्रिएट करी है अलग अलग ब्रांचेस के लिए लेकिन उनका पैन नंबर सेम है। यहाँ पे आप नेट सेल्स देख सकते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट्स देख सकते हैं। आइटम से जुड़ी डिटेल हमने एंटर करी, GST बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी। सेव बटन प्रेस करते ही बिजी ने मैसेज शो कर दिया कि नेट सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है इस पर्टिकुलर पैन नंबर के लिए एक्सीड करी है 50 लाख को। TCS जो है आपने स्टिल चार्ज नहीं किया। वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ, यानी कि आप इसमें TCS अप्लाई करना चाहेंगे। हमने यस बटन प्रेस किया तो देखिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS बिल सन्ड्री जो हमने अभी क्रिएट भी करी थी द रेट ऑफ 0.075% यहाँ पे अप्लाई हो गई। ये रेट डिसाइडेड होता है बेस्ड ऑन कि पार्टी का पैन नंबर एंटर्ड है या नहीं। यदि पार्टी का पैन नंबर एंटर्ड नहीं होता यहाँ पे 1% के हिसाब से TCS जो है चार्ज हो जाता। क्योंकि विद पैन जो है टैक्स रेट अलग है एंड विदाउट पैन टैक्स रेट अलग है। सेव बटन प्रेस करा, यहाँ पे TCS डिटेल्स विंडो अपियर हुई जिसमें कि हमने TCS एप्लीकेबल ईएस, TCS सेक्शन, कलेक्शन कोड। सेल ऑफ गुड्स के केस में कलेक्शन कोड R होगा एंड स्क्रैप के केस में कलेक्शन कोड E यूज होगा। सब डिटेल्स बताई और इसके लिए एक रेफरेंस क्रिएट करी। यदि आपने फीचर्स ऑप्शन में स्किप TCS रेफरेंस ऑप्शन कोड एनेबल किया होता तो TCS इस डिटेल्स विंडो अपीयर नहीं होती, रेफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रिसिप्ट वाउचर में आप कैसे TCS अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम रिसिप्ट एड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, GST नेचर नॉट एप्लीकेबल। हमने AB ट्रेडर्स डेली पार्टी को क्रेडिट किया एंड बैंक अकाउंट को डेबिट किया। सेव बटन प्रेस करने पे बिजी ने मैसेज शो किया कि नेट सेल्स या फिर ग्रॉस रिसिप्ट जो है 50 लाख को एक्सीड करी है इस पर्टिकुलर पैन के लिए और TCS आपने चार्ज नहीं किया। वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ, यस बटन प्रेस करते ही वाउचर में जो है TCS अप्लाई हो जाएगा। तो बटन प्रेस करने पे TCS डिटेल्स विंडो अपीयर होगी। अगेन यहाँ पे भी आप एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। हमने सेल्स वाउचर में भी रेफरेंस क्रिएट करी थी, फिर रिसिप्ट वाउचर में भी हम ये रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप पेमेंट या जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं पेमेंट के लिए TCS की, या फिर जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं TCS रिवर्सल के लिए, यानी कि आपकी कोई रिवर्सल की एंट्री है तो वो किस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिवर्सल की एंट्री डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम जर्नल एड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज सिलेक्ट करी, GST नेचर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ में हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया, देन उसके बाद CGST आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया, SGST आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया।
मान के चल रहे हैं जो हमने सेल वाउचर एंटर किया था उसके अगेंस्ट में कुछ रिवर्सल हुआ है। उसके बाद हमने डेबिट किया TCS अकाउंट को, क्रेडिट किया AB ट्रेडर्स महाराष्ट्र पार्टी को। ये एंट्रीज आप देख सकते हैं। बटन प्रेस करने पे TCS रिवर्सल विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके कि अगेंस्ट में जो है ये रिवर्सल की एंट्री आप एंटर कर रहे हैं, यानी कि इस रेफरेंस में आप इस रिवर्सल एंट्री को एडजस्ट कराना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि TCS पेड टू गवर्नमेंट, यानी कि आपने जब TCS गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। TCS पेमेंट की एंट्री गवर्नमेंट को आप जर्नल वाउचर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। जर्नल वाउचर के थ्रू ही देखते हैं। यहाँ पे हमने TCS अकाउंट को डेबिट किया है एंड अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। सेव बटन प्रेस करने पे एडजस्ट TCS रेफरेंसेस विंडो अपीयर हुई। इसमें हमने रेफरेंस सिलेक्ट करी जिसके कि अगेंस्ट में हम TCS पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। पेमेंट से जुड़ी डिटेल बताई, लाइक पेमेंट फॉर द क्वार्टर, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड, चलान नंबर, चेक नंबर, डेटेड एंड बैंक वेयर टैक्स डिपॉजिटेड, यानी कि किस बैंक में ये टैक्स जो है डिपॉजिट हुआ है। ये बैंक अलग भी हो सकता है जो बैंक आपने वाउचर में क्रेडिट किया है उससे। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि बैंक का जो BSR कोड होता है वो आप बैंक अकाउंट मास्टर की LIS फील्ड में बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्यू प्रिंट रिपोर्ट्स। डिस्प्ले में TCS रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं TCS से जुड़ी रिपोर्ट्स दी गई हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है रिसिप्ट एलिजिबल फॉर TCS। इस रिपोर्ट से आप व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसिप्ट ऐसी हैं जो कि TCS के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताएंगे, अमाउंट राउंडिंग ऑफ, ये सारी डिटेल्स बता के बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं मल्टीपल पार्टीज का केस है, यानी कि एक ही पैन की मल्टीपल पार्टीज हैं। उसके बाद सिंगल सिंगल पार्टीज हैं। ये सारी ही जो रिसिप्ट्स हैं, ये जो डिटेल्स आ रही हैं, ये सब एलिजिबल हैं TCS के लिए, यानी कि इन पे TCS आपको कलेक्ट करना है। पे किसी भी एंट्री पे F4 की प्रेस करके आप TCS वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। हमने F4 की प्रेस करी तो विजय ने पूछा ऑल पैन्स या फिर सिलेक्टेड पैन, किसके लिए TCS का जो वाउचर है वो पोस्ट करना है। यदि आप सिलेक्टेड पैन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जो एंट्री बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, उसके लिए TCS वाउचर पोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यदि उस एंट्री में मल्टीपल पार्टीज हैं सिंगल पैन के लिए, बिजी एक मैसेज शो कर देगा कि TCS वाउचर पोस्ट नहीं हो सकता, आपको इंडिविजुअली पोस्ट करना होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई केस नहीं है कि मल्टीपल पार्टीज नहीं है फॉर अ सिंगल पैन नंबर, तो बिजी जो है TCS वाउचर पोस्ट करेगा। ऑल पैन के केस में होगा कि जो मल्टीपल पार्टीज होंगी, यानी कि एक ही पैन पे मल्टीपल पार्टीज होंगी, उनके लिए TCS का वाउचर स्किप हो जाएगा, पोस्ट नहीं होगा, आपको अलग से उसके लिए TCS का वाउचर पोस्ट करना होगा। उसके बाद TCS वाउचर क्रिएशन विंडो अपीयर हुई। मैं आप जो पोस्ट होना है उससे जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, वाउचर सीरीज, वाउचर डेट, नरेशन यहाँ पे आ रही है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स बताएंगे एंड जो TCS का वाउचर है एक जर्नल वाउचर पोस्ट हो जाएगा। अब हम जर्नल वाउचर की लिस्ट में जाके देखते हैं, तो ये देखिए हमने ये वाउचर सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये एक वाउचर पोस्ट हुआ है शर्मा फैब्रिकेटर्स के लिए, उस अकाउंट को डेबिट किया है एंड TCS अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस बिजी में TCS को इम्प्लीमेंट करने का। आप एनेबल एंड कॉन्फ़िगर करेंगे TCS को। मास्टर्स क्रिएशन हमने देखा, उसके बाद या तो आप सेल्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं TCS, या फिर रिसिप्ट के थ्रू, एंड पर्सल की एंट्री, TCS पेमेंट टू गवर्नमेंट की एंट्री, एंड जो एक रिपोर्ट प्रोवाइड करी गई है रिसिप्ट एलिजिबल फॉर TCS, उसके थ्रू आप कैसे TCS का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली बिजी में TCS इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।